फीफा वर्ल्ड कप के जश्न में डूबा कतर अपनी रूढ़िवादी सोच को लेकर बेनकाब हो गया है। देश की एक राजकुमारी को ब्रिटेन में इसलिए शरण लेनी पड़ गई क्योंकि उसे डर है कि उसके ट्रांसजेंडर होने की वजह से उसे प्रताड़ित किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भागने वाली ट्रांसजेंडर राजकुमारी कतर के शासक परिवार अल थानी की सदस्य है। प्रिंसेस के मुताबिक वो एक महिला के रूप में पैदा हुई थी लेकिन अंदर से वो एक पुरुष थी। बता दें कि कतर में गे होना कानूनन दंडनीय अपराध है और मौत की सजा के बराबर माना जाता है। इसी डर से राजकुमारी 2015 की गर्मियों में लंदन की फैमिली ट्रिप के दौरान भाग गई और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ छिप गई। ब्रिटिश सरकार से शरण मांगने के आवेदन के साथ राजकुमारी ने कतर के शासक परिवार से भाग जाने के अपने सपने के बारे में भी बताया। राजकुमारी के मुताबिक उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनकी जिंदगी कचरे में फेंक दी गई हो। उन्हें कभी भी अपने परिवार के बाकी लोगों की तरह अपने चचेरे भाइयों से शादी नहीं करनी थी। उनके भाई जो कुछ करने जा रहे थे उससे वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। गौरतलब है कि समलैंगिकता पर कतर का प्रतिबंध हाल ही के दिनों में काफी चर्चाओं में रहा है। 7 यूरोपीय टीमों को फीफा ने मतभेद विरोधी वन लव आर्म बैंड पहनने से रोक दिया था। कतर में समलैंगिकता के लिए 3 साल तक की सजा हो सकती है। अक्टूबर में सामने आई ह्यूमन राइट्स वॉच की एक रिपोर्ट में पाया गया कि कतर के सुरक्षा बलों ने LGBT लोगों को गिरफ्तार किया और बिना किसी कारण उन्हें हिरासत में रखा और प्रताड़ित भी किया गया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।